नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी के फतेहपुर जिले में मानवता शर्मसार करने वाली घटना एक बार फिर देखने को मिली। पत्नी के चोट लगने के बाद मेडिकल लीगल ना करने का आरोप लगाते हुए 4 दिनों से फतेहपुर जिले से कौशाम्बी जिले के जिला अस्पताल चक्कर लगवाने की शिकायत डीएम से की। इस शिकायत को सुनते ही डीएम का पारा चढ़ गया और पहले उन्होंने सीएमओ से बात कर उन्हें खरी खोटी सुनाई और जिसके बाद डीएम से बात कर महिला के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराते हुए मेडिकल लीगल के लिए कौशाम्बी जिला अस्पताल के लिए रवाना करवाया। मारपीट हुई तो हम लोग थाने आए, थाने से रिफर किया हमको यहाँ सदर अस्पताल आए। यहाँ पे कोई डॉक्टर ने हमारा ये रिपोर्ट नहीं किया, फिर भिजवा दिया कौशाम्बी। हम लोग कल गए और कल वहाँ से वापस फिर आ गए, कोई डॉक्टर नहीं मिला। वहाँ से वापस आए यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, हम लादे फिर रहे मरीजों को। वही घायल महिला के परिजन का कहना है कि हम 4 दिनों से मेडिकल लीगल करने के लिए फतेहपुर से कौशाम्बी जिला अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। हमारी पत्नी की हालत काफी नाजुक है, इसलिए आज हम डीएम साहब के पास आए हैं। अभी कुछ जमीन पड़ी थी, उस पर जो है गांव के कुछ दबंग और क्रिमिनल लाइन के लोग जो है उस पर कब्जा कर रहे थे। हम लोगों ने उनको मना किया तो उन लोगों ने धारदार हथियार से फरसा और बल्लम से हम पर अटैक कर दिया। इसके बाद जो है हम लोग थाने गए, वहाँ पर FIR भी किया। इसके बाद हमको सदर अस्पताल के लिए रिफर किया गया। इस मामले में डीएम अंजने सिंह ने बताया कि एक घायल महिला को लेकर एक लोग लेकर आए हैं जिनका मेडिको लीगल ना होने की शिकायत है। हमने तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था करके कौशाम्बी जिला अस्पताल के लिए भेजा है।